क्या अप्लाई करें, क्या ऐसा नुक्ता लगाएं ताकि हमारी मुर्गी जो अंडा देना शुरू कर दें। डाइट है, फीड है, उसमें कुछ चेंज करने वाले हैं, अब क्या उसमें नुक्ता लगाएं, क्या तरीका है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या ट्रिक है, वो ट्रिक मैं जो है आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप जी? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे और आपका शौक शिकार भी ठीक ठाक चल रहा होगा बिल्कुल मेरी तरह। और यह भी उम्मीद करता हूं जो भी आपने शौक पाल रखे हैं वो बिल्कुल हष्ट-पुष्ट होंगे, तंदुरुस्त होंगे बिल्कुल आपके तरह। मेरे भाई, आज जो मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा, जो हमारी मुर्गियां अंडा नहीं दे रही हैं, क्या कारण है, किस वजह से हमारी मुर्गियां अंडा नहीं दे रही हैं, और इसमें जो है हम क्या अब उनके लिए क्या अप्लाई करें, क्या ऐसा नुक्ता लगाएं ताकि हमारी मुर्गी जो अंडा देना शुरू कर दें, और ऐसा कुछ हम जो है प्रोसेस अपनाएंगे अपनी वीडियो में, ऐसे नुक्ते में, ताकि हमारी मुर्गी एक बार अंडा देना शुरू कर दें तो जो है ना वो अंडे को नागा ना करें, रोज अंडा दें। जैसे कि अब जो है आने वाला समय जो है वो अंडे का है, अब जो है चल रहा है अगस्त, अगस्त चल रहा है, अगले सितंबर अक्टूबर में जो है सर्दी शुरू होने वाली है बरसात के बाद में, तो हमें ना अंडे की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा हम कोई ऐसा अपने कुछ अपनी मुर्गियों की जो डाइट है, फीड है, उसमें कुछ चेंज करने वाले हैं ताकि हमारे हमें जो ना सभी मुर्गियों की जो ना फीड बदलते मौसम के अनुसार मैं फीड चेंज करता हूं अपनी मुर्गियों की। तो मैं कुछ ऐसा जो है ट्रीटमेंट कोई नुक्ता लगाने वाला हूं अपनी मुर्गियों में जो अंडा देने वाली मुर्गियां मेरी, ताकि मेरी मुर्गी रोज अंडा दें। दरअसल बात क्या है, एक मेरे भाई ने जो है मुझे एक मैसेज करा है और मुझसे पूछा है कि जो है मेरी मुर्गी अंडा नहीं दे रही, अब क्या उसमें नुक्ता लगाए, क्या तरीका है, क्या ट्रीटमेंट है, क्या ट्रिक है, वो ट्रिक मैं जो है आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैसेज चेक करें, मैसेज कुछ इस प्रकार था पहले। तो दोस्तों मेरे जो है उससे खास, मेरे भाई से किसी से जिन्हें मैसेज करा था, खास बात तो खैर नहीं हो पाई, थोड़ी सी बात हुई थी, लेकिन मैं बता दूं आपको दोनों तरीके की बताऊंगा। यदि मेरे भाई के पास असील मुर्गी है तो वो जो है कम से कम 8 महीने से पल्ली तरफ, 8 महीना प्लस और 1 साल की, तो वो अंडा देना शुरू करेगी। उसकी भी जो है एक कंडीशन है, यदि उसका बॉडी वेट और उम्र दोनों प्रॉपर कंप्लीट है, जैसे कि उसका बॉडी वेट कम से कम 1.5 किलो और उम्र जो है उसकी कम से कम 8 महीना से 1 साल के बीच में उसकी उम्र है, 8 महीने से पल्ली तरफ तो होनी होनी चाहिए, ठीक है, और 1 साल कम से कम जो है असील मुर्गी जो है हमारे पास, मेरे क्योंकि मेरा तजर्बा खुद का, मैं एक भाई किसी मित्र से लाया था, मैं मेरठ से मुर्गी लाया था अपने किसी मिलने वाले भाई से, तो उस पट्टी ने जो है ना 1 साल प्लस की होकर जो अंडा दिया था, ठीक है। तो ये मेरा सबसे शुरुआत का तजर्बा है मेरा। तो मेरे भाई, और ये तो होगी असील की बात, मैं बताता हूँ दूसरी वाली मुर्गी की बात, जो हमने अंडे पर्पस के लिए पाल रखी है, डबल एफ जी, आर जी, ओ डबल एफ जी या रोड बॉयलर जो होते हैं, आर आई आर वगैरह, जो अंडे पर्पस के लिए और मीट पर्पस के लिए हम अपने घरों में पालते हैं, जैसे कि हमारी घरों में जो है अंडे की जो जरूरत पूरी है, उन्हें जो है वो जरूरत पूरी करती रहे। तो मेरे भाई मैं बता दूं आपको, जो अंडे पर्पस के लिए मुर्गी पालते हैं हम, लेयर मुर्गियां, तो उसकी उम्र तो कम से कम जो है ना 6 महीना प्लस की, 6 महीना प्लस की, उससे कम नहीं चलेगी, और कम से कम बॉडी वेट जो है ना 1.5 किलो मैंने आपको बताया दिया है। यदि आपकी मुर्गी अच्छी खासी हष्ट-पुष्ट है, तंदुरुस्त है, उसमें बॉडी ग्रोथ भी ठीक ठाक चल रहा है उसका, लेकिन उसकी उम्र है 5 महीना और बॉडी वेट है 1300, ठीक है, लेकिन जो है वो 1300 ग्राम की है, लेकिन वो अंडा कतई भी नहीं देने की, क्योंकि ना ही उसकी उम्र है और ना ही उसकी जो है बॉडी वेट है, उसकी उसकी उम्र जो है ना उसे इजाजत नहीं देती अंडा देने के लिए। तो हर चीज का एक जो है समय है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, यदि आपकी मुर्गी इन कंडीशन से भी पार हो चुकी है, उसकी उम्र भी ठीक ठाक है, बॉडी वेट भी ठीक ठाक है, फिर भी जो है वो अंडा नहीं दे रही, तो मैं बता दूं मेरे भाई आपको, आपको जो है ना कुछ फीड में तब्दीली कर देनी है, जैसे कि मैं अपनी मुर्गियों में करने वाला हूं आने वाले समय में। आपको क्या तब्दीली कर देनी है, आपको मक्का और गेहूं का जो है दलिया करवा लेना है, दोपहरा दोपहरा करवाने के बाद में आप उसमें बाजरा ऐड कर दें, बाजरा ऐड करने के बाद में आप उसमें जो ना कम से कम जैसे कि मान लो 10 किलो आपने जो दलिया हो गया, 10 किलो आपका, 10 किलो में कम से कम 2.5 किलो या 3 किलो उसमें आप पोल्ट्री फीड मिला लें, जो बड़ी वाली पोल्ट्री फीड होती है, छोटे चूजों वाली नहीं, जो बड़े मुर्गी मुर्गा खाते हैं, ठीक है, वो बड़ी वाली जो आपको ना पोल्ट्री फीड उसमें मिला देनी है और अपनी मुर्गियों को जो अप्लाई कर देनी है, खाने के लिए दे देनी है, ठीक है। ये सब जो यदि आप इस तरीके से खाना देंगे अपनी मुर्गियों को, अंडे पर्पस वाली मुर्गी जो अंडे के लिए, तो मेरे भाई आप, मैं बताता हूँ आपकी मुर्गी जो अंडा देंगी ना, वो सभी अंडे जो है प्रॉपर कंडीशन के देंगी, कंप्लीट देंगी, ऐसा नहीं है कि
छोटे अंडे या बड़े अंडे, ऐसा कोई मसला आपको देखने को नहीं मिलने का। ठीक है, बीच बीच में आप जो है ना लिक्विड फॉर्म में कैल्शियम दे सकते हैं अपनी मुर्गियों को जरूर, कम से कम महीने में। जो अंडे देने वाली मुर्गी है ना उन्हें कम से कम कैल्शियम, मैं बता दूं आपको, हर पांचवें दिन कैल्शियम देना है पानी में घोल के, हर पांचवें दिन। और उसमें जो ना हर हफ्ते जो ना आपको उसमें मल्टीविटामिन जरूर ऐड करने हैं पानी में घोल के, और जो ना एंटीबायोटिक हर महीने ऐड करनी है, चाहे आपकी मुर्गियां बीमार हो या ना हो। ठीक है दोस्तों, इससे आपकी मुर्गियां बिल्कुल हष्टपुष्ट तंदुरुस्त जो है खड़ी रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी, बढ़िया लगी होगी। यदि आपको मुझसे आपको कुछ भी कहना है, कोई भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई बात है आपके मन में, तो मैं आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका उत्तर वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों बाकी आप जो है खुद समझदार हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।